नमस्कार एचएस बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदीप तारेन है। बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में हम तमाम नेताओं की बात करेंगे और उसमें एक नेता ऐसा है जो जमीनी नेता कहलाता है। पब्लिक कनेक्शन उनका सबसे मजबूत माना जाता है बिहार में। पप्पू यादव की हम बात कर रहे हैं। जाप सुप्रीमो, जन अधिकार पार्टी उनकी पार्टी है और इस बार बात करेंगे हम वजीरगंज विधानसभा की। गया जिला का ये विधानसभा है जहाँ से उनके प्रत्याशी बनाए गए हैं राजीव कुमार कन्हैया। पहले चरण में उसका मतदान होना है और पप्पू यादव वहां पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। उनका साफ कहना है पब्लिक से कि बस 3 साल का मौका उन्हें चाहिए और 3 साल में वो बिहार में कुछ ऐसा कर गुजरेंगे, कायाकल्प कर देंगे बिहार का, कि लोगों के सामने वे अगली बार जब वोट मांगने जाएं तो पब्लिक उन्हें खुद से वोट दें। राजीव कुमार कन्हैया के बारे में आपको बताएं, वे जाप प्रत्याशी बने हैं वजीरगंज से। 25 साल से वो कार्यकर्ता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, एक समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। अच्छा काम उन्होंने बीजेपी में किया है, पर जब उनको उनके काम का इनाम नहीं मिलता है तब वो भरोसा करते हैं पप्पू यादव पर। कारण है कि पिछली दफा जो पटना में बाढ़ आया था, जो पटना में जलजमाव हुआ था 2019 में, उसमें जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पर काम किया गया था पप्पू यादव के द्वारा, उससे बहुत ज्यादा आकर्षित हुए थे, इंप्रेस्ड हुए थे राजीव कुमार कन्हैया। स्टेज पर आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि पप्पू यादव मौजूद हैं, राजीव कुमार कन्हैया मौजूद हैं और अच्छी खासी संख्या में वहां पर भीड़ भी जुटी है। आप देखिए क्या कुछ कहना है पप्पू यादव का राजीव कुमार कन्हैया के पक्ष में। 28 साल हो गया, 1 घंटा हम नहीं सोए, याद रखिएगा, ये कहने आए थे और अब कह के जा रहे हैं। ये क्षेत्र का इतिहास बदल देंगे, 1 साल के अंदर मैं खुद आऊंगा। ये आपका मूलधन है, पप्पू सूद ब्याज है, अपना सूद और ब्याज समझ लीजिए और अपने खून में नस में पप्पू याद रखिएगा। कभी दुख हो तो तुरंत पप्पू के पास, मेरा नंबर आप दे दीजिए, इनका नंबर मिल जाएगा। आप सब रुकिएगा, देवी मेरी बेटी के तरह बच्चे से वो आपको संगीत भी सुनाएंगे और आपकी सब बेटी मैं एक चाहूंगा माला पहनाई रही, अच्छा गीत भगवान दुर्गा पूजा हुआ, अरे दुर्गा दुर्गा का पूजा का गीत हो गया, थोड़ा सा और गीत नहीं पाएगा होगा ना ऐसा बाबू जी, तो दुर्गा मैया के गीत हो गए तो और थोड़ा सा गीत, ये मेरे बेटी की तरह है, मैं इससे बहुत सम्मान करती हूँ, इसीलिए मैं हाथ जोड़ के पैर छू के प्रणाम आप सब मेरा लीजिए। कौन छाप? गरीब का छाप, नाई का छाप, डॉक्टर का छाप, बाल काटने वाले का छाप, सीने वाले का छाप, माई का छाप और बलात्कारी को पेट भोगने वाला छाप, यही हम कहना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो पप्पू यादव पहुंचे हैं वजीरगंज, कन्हैया राजीव कुमार कन्हैया के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। उनका ये कहना है कि राजीव कुमार कन्हैया जो हैं अगर विधायक बनते हैं तो वो ही वजीरगंज की जनता के मूलधन होंगे और पप्पू यादव जो हैं वो सूद होंगे, यानी कि जो इंटरेस्ट होता है वही होंगे। वहाँ पर वो साल में विजिट जरूर करेंगे पर राजीव कुमार कन्हैया के ऊपर ही दावेदारी होगी वजीरगंज की जनता का सेवा करने का। आपको बताएं कि 25 साल कार्यकर्ता रहने के बावजूद जब राजीव कुमार कन्हैया को उनका इनाम नहीं मिला भाजपा के द्वारा, तब वो जाप में गए हैं और उन्हें टिकट दिया गया है पप्पू यादव के द्वारा। बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है वजीरगंज विधानसभा का चुनाव। पहले चरण में वहां मतदान है, आप बने रहिएगा एचएस बिहार के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करिएगा। धन्यवाद।